बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको कंधा जोड़ने का तरीका बताऊंगी कि फ्रंट और बैक के कंधे को किस तरह जोड़ा जा सकता है कि इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए और इसके धागे भी बाहर ना निकलें और ये सिलाई भी हमारी पक्की लगे, सिलाई फटे नहीं बाद में। तो ये फ्रॉक है तकरीबन 3 साल के बच्चे का, ये मैंने रेडी कर लिया है, ऊपर से नीचे तक रेडी हो गया। इसका कंधा जोड़ना बाकी है, तो ये देखें इसको मैं कैसे सिलाई करूँगी। ये कैप वाला का साइड है, कैप वाली साइड है जो हमने तैयार की है, और ये बैक साइड है। इन दोनों को आपस में इस तरह रखा जाता है। अमूमन जो सिलाई लगाई जाती है वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह सिलाई लगाते हैं, जो कि फट जाती है और सही नहीं रहती सिलाई। कंधे से कंधा फट जाता है और वो बहुत बुरा लगता है। ये देखें इस तरह रख के जो सिलाई लगाने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह सिलाई जो है वो पक्की नहीं लगती, और एक तो सिलाई बाहर भी नीचे से फिनिशिंग नहीं आती और जल्दी फट भी जाता है। बेशक आप इसको मोड़ कर लगा लें, डबल सिलाई कर लें, लेकिन फिर भी वो फट जाता है। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये सिलाई लगी है। ये देखें ये सिलाई लगी है, और यहाँ से जब हम इसको पहनते हैं उतारते हैं तो ये फिनिशिंग भी नहीं आती, और ये पहनते उतारते वक्त जो है ये इसका सिलाई फट भी जाती है। राइट वे जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमने किस तरह से इसी तरह के कंधे को सिलाई लगानी है। ये देखें ये मैंने रख लिया नीचे, ठीक है, इनको बराबर कर लेना है हमने, सिलाई के ऊपर सिलाई बराबर कर लेनी है, अगले और पिछले गले दोनों के। सिलाई के ऊपर सिलाई बराबर करने के बाद हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे। ये देखें ये बराबर है कपड़ा अब हमारा, इसको हम सिलाई पर सिलाई के बराबर रखेंगे, और जो हमारा पिछला गला है जिसको हमने तरपाई अभी करनी है उसको हम मोड़कर फ्रंट साइड पर ले जाएंगे। ये देखें इसको यहाँ से बराबर रखना है, यहाँ से आगे पीछे ना हो, इसको मोड़कर पिछली साइड पर ले जाएंगे, और पिछली साइड से इन सिलाइयों ये जो सिलाई है तो कपड़ा है बराबर कर लेंगे, और पिछली साइड का जो कपड़ा है इसको एक दफ़ा फिर नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे यहाँ से, यूँ, ठीक हो गया। इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये देखें किस तरह आपको नज़र आ रहा है कि इसको इस तरह हमने अब सिलाई लगानी है इसके ऊपर। फ्रंट से स्टार्ट से हम सिलाई को डबल कर लेंगे। बखिया थोड़ा सा छोटा ही रखिए, इस तरह की सिलाइयों में बखिया बिल्कुल छोटा रखा जाता है ताकि वो जल्दी फटे ना, सिलाई जल्दी निकले ना। ये देखें हमने स्टार्ट से डबल सिलाई करके इसको हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ, ऊपर नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह कितना नीट बना है। ये देखें दोनों हिस्सों को हमने, ये देखिए नीचे से हमारी फिनिशिंग भी आ गई है और ये अब फटेगा नहीं है हमारा कंधा जो है, इसको हम जिस तरह मर्जी बच्चे को उतारें ये फटेगा नहीं। इस तरह आप बड़ों के गलों को भी जोड़ सकते हैं और छोटे को भी। ये बहुत ही आसान इजी तरीका है और यूज़फुल भी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।